So, we will discuss health, safety, and nutrition in early childhood. Uh, there are so many threats, so we have to keep in mind that we need to provide a healthy environment to our students, proper nutrition, and safety. So, the most important factors to consider are health, safety, and nutrition. When, raise, uh, when raising children, to put it another way,

और वो सेफ भी हों और फिर उनका जो फूड है खाना जो है वो महफूज हो देखिए जो मसनू चीज़ें हैं उनसे बचकर अगर बच्चों को सादा खाना भी दिया जाए लेकिन उसमें उनकी ज़रूरत के अज्जा मौजूद हों तो बच्चे बेहतर नशोनमुमा कर सकते हैं कोई उसमें इतना मसला नहीं इसके अलावा इन एडिशन टू पॉलिसीज़ रिलेटेड टू ई सी सी ई फैमिली इकोनॉमिक सपोर्ट मेंटल हेल्थ सपोर्ट होल्डर्स प्राइमरी हेल्थ केयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसज़ शुड भी प्रोवाइड तो जो हमारे बैन अवी इदारे हैं उनकी सिफ़ारशा ये हैं कि आप छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ऐसे इदारे बनाएँ जहाँ पर कम अज़ कम उनको इस तरह की सारी सर्विस मुहैया हों हेल्थ केयर की भी और जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस हैं वो भी उनको दी जाएँ अच्छा ये तो ज़रूरी है कि इदारे ये सब करें लेकिन हमारे तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि वो अभी तक इदारों से हैं ही बाहर तो उनको भी उनके लिए भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स जो हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है जैसे गलियों में कुछ बच्चे भीख मांग रहे होते हैं कुछ लेबर में चाइल्ड लेबर में होते हैं और कुछ मासूम बच्चे मतलब बिला वजह बाहर घर से फिरते हैं जो बिल्कुल अनसेफ एक माहौल है तो उनको भी तालीम के दायरा कार में लाना ज़रूरी है अभी हम इस काबिल भी नहीं हुए कि अपने सारे बच्चों को हम दायरा तालीम में लेकर आएँ तो अगर उनको लाना है तो फिर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे उनकी सेफ्टी पे उनकी न्यूट्रिशन पे भी हमें काम करना है तो क्या हम कर सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए न्यूट्रिशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू प्रमोट गुड हेल्थ टू मिनिमाइज सिकनेस देखिए अगर आपके बच्चे का मुदाफियाती निज़ाम मजबूत होगा तो बीमारी भी कम आएगी या बीमारी आएगी तो वह उसका सामना कर पाएगा मजबूत मुदाफियाती निज़ाम बेहतर और ख़ालस और सादा ग़ा से होता है ये जो जंक फूड है या बहुत ज़्यादा इस तरह की डाइटरी जो है वो चीज़ें जब आप लेते हैं तो वो कभी भी कोई सेहतमंद ऐसा फैक्टर जन्म नहीं देती बल्कि आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर करती है ख़ास तौर पर जो ऐसे ऑयल्स हैं जो आर्टिफिशली तैयार किए जाते हैं हर किसी न किसी गज़ा के अंदर जो आर्टिफिशल ऑयल्स हैं फूड ऑयल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए उनके जिगर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं फिर कीप प्ले थिंग्स एंड प्ले ग्राउंड सेफ फॉर चिल्ड्रन। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अपने uh, शहरों को हमने अर्बनाइज़ कर दिया तो हमने उनके लिए प्लेइंग स्पेसिस जो हैं वो कम से कम कर दी ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ अभी भी मंजूर होती हैं जिनके अंदर प्ले ग्राउंड्स हैं ही नहीं या जो बच्चों को पहले खुली जगह महै मुहैया थी जहाँ वो खेल कूद करते थे वो सारी चीज़ों को कम किया जा रहा है तो इसकी ज़रूरत है कि प्ले एरियाज़ के ऊपर किसी भी अर्बन सोसाइटी में जो भी फ्यूचर में बने बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ ना किया जाए फिर टीच सेफ्टी हैबिट्स सेफ्टी हैबिट्स जैसे हमने अर्ज़ किया जो बच्चे के माहौल में इर्द गिर्द फैले हुए हैजर्ड्स हैं जैसे फायर है इलेक्ट्रिसिटी है पानी है या कुछ आग जला सकते हैं या कोई फिसलने वाली जगह हैं या कोई जहरीले कीड़े वग़ैरह इर्द गिर्द मौजूद हैं इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाए फिर ये कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं रोड कैसे क्रॉस करनी है ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं ये सब भी बताने ज़रूरी हैं फिर इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंटरेक्शन किस किस से होना है किस अजनबी से किस तरह से मिलना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना किसके साथ जाना है कौन यानी अजनबी किस किस के साथ जा सकते हैं और अजनबी को कैसे रिफ्यूज़ करना है ये सारी जो सेफ्टी हैबिट्स हैं ये भी उनको बताना इसी उम्र में ज़रूरी है क्योंकि अभी वो विलनरेबल हैं अभी वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते तो वो हो सकता है कि नुकसान उठाएं और फिर उनकी डाइट का खास ख्याल रखना है सो हेल्दी चिल्ड्रन लिव लॉन्गर वाइल्ड चिल्ड्रन सेफ्टी एंश्योर देयर सर्वाइवल एंड न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट्स टू देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट अगर हम इन तीनों बातों पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक एक हेल्दी बीइंग जो है वो बन सकता है वो आइंदा आने वाली जिंदगी में